हॉस्टल में होटल में काम मिला। अच्छा। अब होटल में काम में ऐसा था पढ़ाई भी करनी, होटल में काम करना। अच्छा। फिर वो स्कूल में जाने का, फिर होटल में काम करने का। फिर 12वीं पास हो गया, फिर घर वाले बोले जरा परेशानी चालू हो गई तो कुछ ना कुछ करो बोले। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं वैजापुर के ये सचिन वड़े वाले के पास, और यहाँ पे ये सचिन का वड़ा काफी यूनिक स्टाइल में बनाते हैं, और ये सचिन वड़ा यहाँ पे वैजापुर में काफी फेमस भी हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं कस्टमर की यहाँ पे भीड़ लगी है, और वैजापुर का ये वड़े का स्वाद लेते हैं। देखिए ये वड़ा बनाने का इनका यूनिक स्टाइल है ये, और वड़े का साइज भी काफी छोटा होता है। स्पीड देखिए भैया का, क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह। सचिन दादा, पूरे पूरे वैजापुर में आप ही का एक वड़ा अलग टाइप से बनता है, काफी स्मॉल और वो होता है ना। ये आपके वड़े की साइज इतनी छोटी है लेकिन खाने में बड़ा मजा आ रहा है, तो आप ऐसा अलग क्या यूनिक क्या करते हो वड़े बनाने में? जैसे आप पहले निकालते हैं आप फ्राई, फिर बाद में उसे प्रेस करके कड़क किया ना, तो ग्रेक जरा क्रंची बन जाता है वो, जरा तो ग्रेक खाने में मजा आता है। अच्छा, इसका मतलब आप वैजापुर कर को कड़क वड़ा पाव खिलाते हो? हाँ, ये तो एक प्लेट में दो वड़ा दो पाव और चटनी आपकी आती है? हाँ, एक प्लेट में दो वड़ा दो पाव। और कितना? 15 रुपए लेते हैं ना प्लेट का। ये कौन सा चटनी है? ये लाल मिर्ची वाला। अच्छा, ये लाल मिर्ची वाला चटनी है, और ये इमली वाला चटनी। अच्छा, और साथ में हरी मिर्ची देते रहेगी ना? हरी मिर्ची। ये आलू का चटनी वगैरह आप सब घर से रेडी करके लाते हो क्या? हाँ। यहाँ पे आके सिर्फ फ्राई करना है और कस्टमर को देना है? हाँ। आपका नाम क्या है भैया वैसे? सचिन। सचिन, शॉप का भी नाम आपने सचिन वड़े वाला रखा है। हाँ। हाँ। कितने बजे शॉप ओपन करते हैं आप? सवेरे 7 बजे। और कितने बजे तक होता है ये? तकरीबन 12-1 बजे तक। अच्छा, दोपहर तक चलता है ये। और आप क्या क्या बनाते हैं वड़े और? वड़ा और पकोड़ा भजिया रहता। वड़ा और पकोड़ा भजिया। अच्छा, पकोड़ा भजिया। शॉप का नाम और एड्रेस बता देना। सचिन वड़े वाला। हाँ हाँ, एड्रेस स्टेशन रोड वैजापुर। वैजापुर का स्टेशन रोड। देखो ये हाफ फ्राई हो गया। अच्छा, ये हाफ फ्राई कर लिया आपने? हाँ, अभी से फ्राई करेंगे। अच्छा, देखिए भैया की स्पीड देखिए कितनी है। अब इसको प्रेस करके वापस छोड़े है ना भैया? स्पीड देखिए भैया की ये। सचिन भाऊ, ये आपके शॉप को कितना समय हुआ है ओपन करके? 4 साल हो गया। 4 साल हुआ, तो ये आपका वड़ा का जर्नी कैसा है ये बताइए ना। होस्टल में होटल में काम मिला। अच्छा। अब होटल में काम में ऐसा था पढ़ाई भी करनी, होटल में काम करना। अच्छा, कितने इससे काम कर रहे थे आप? मैं बहुत छोटा सा कमर से काम करता था। अच्छा, तब से आप ये वड़े का काम करते हैं? फिर वो स्कूल में जाने का, फिर होटल में काम करने का। फिर 12वीं पास हो गया, फिर घर वाले बोले जरा परेशानी चालू हो गई तो कुछ ना कुछ करो बोले। फिर हमने, मैं बोला मैं कुछ करता, थोड़े बार पैसे थे फिर लगा दिया दिमाग थोड़ा बार। अच्छा, ये आपको ये होटल का मालूम तो था ही, तो फिर आपने खुद का होटल में काम करता था मैं। आपका स्ट्रगलिंग वाला ये बिजनेस आपने सक्सेस किया है। हाँ हाँ, और घर वालों को भी आपका सपोर्ट मिला है अभी? हाँ, घर वालों का कैसा, आप घर पे कोई काम पे नहीं था। एक कम उम्र वाला मेहनती सचिन वड़े वाला करके यहाँ वैजापुर में अभी निर्माण हुआ है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू।